स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लॉगर स्मिता इन जर्मनी में। और आज का टॉपिक जो कल बताए थे आप लोग को, आज का टॉपिक है स्ट्रगल का, कि जर्मनी आने के बाद हमें कौन कौन से स्ट्रगल यहाँ पे करने पड़े वो सब शेयर करेंगे। तो आज है खट्टे मीठे लड्डू जो आपको खिलाएंगे, डरिएगा नहीं और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। और हमारा वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या चीज़ है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 1 में अगर आता है तो वह है घर सर्च। यहाँ पे घर को खोजना बहुत मुश्किल थी। अगर आप इंडिया से आ रहे हो और अगर आपको पता है कि हमको जाना ही है तो आप घर वहाँ से ही सर्च करना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है घर सर्च करने में। तो ये एक्सपीरियंस हम अपना बता रहे हैं, कि अपना शेयर करने वाले हैं कि जब इनका जॉब कार्लसरूहे सिटी में लगा था और हम लोग फ्रैंकफर्ट में थे, हम लोग 1 ईयर तक ये कंटिन्यूअस डेली अप डाउन किए हैं वहाँ से। 1 ईयर आप सोच सकते हो कि 1 साल इतनी दूर से डेली मॉर्निंग 5:30 को निकलना और इवनिंग में फिर घर जाना रात के 9 बजे तक। यहाँ पे हाउस मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और साथ ही यहाँ पे 2 तरह के जब आपको घर मिलेंगे तो एक और आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जर्मनी में 2 तरह का घर मिलता है, एक फर्निश्ड घर मिलता है, एक अनफर्निश्ड घर मिलता है। फर्निश्ड घर में आपका सब कुछ अवेलेबल रहेगा, किचन वगैरह, बेड उड सब कुछ। अनफर्निश्ड हाउस में भी 2 तरह का होते हैं, किसी में किचन देता है और किसी में कुछ भी, किचन का स्लैब भी एटलीस्ट नहीं होता है। इंडिया में क्या है, आपको किचन जो मिलता है घर रेंट पे लेते हैं, एटलीस्ट स्लैब तो रहता है जिसपे आप रोटी बना सको, चूल्हा रख सको। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ आपको बाय करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। तो अपार्टमेंट जब ढूंढे ना तो क्या होता है, लोग सोचते हैं कि फर्निश मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन जरूरत के समय में अनफर्निश भी मिलता है तो लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, हमें चूज करने का ऑप्शन नहीं होता है। घर मिलता है हमको लेना ही लेना है, जिस कंडीशन में आपको घर मिल रहा है। तो यहाँ पे हाउस सर्चिंग जो है ना बहुत ही मतलब क्या बोले, टफ है, यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। सेकंड हमारा जो है ना कठिनाइयों भरा जो रास्ता है वो है आपको जर्मन भाषा का, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज सीखना जो है ना वो टफ है। बोला भी जाता है कि जर्मन लैंग्वेज धीरे धीरे सीखता है। जैसे हम लोग ही जो है ना यहाँ पे 12 साल से हैं और मीडियम लेवल तक अभी तक पहुंचे हैं। जर्मन लैंग्वेज अगर आप लोग सीख गए ना तो इससे बहुत फायदे होंगे, कि आपको यहाँ पे लोगों से मिक्स होना आसान हो जाएगा। अगर आप जो है ना किसी गवर्नमेंट ऑफिस गए, जैसे कि आउटलैंडर बेहोट है जो रहता है, जहाँ पे आपको वीज़ा, पासपोर्ट इन सब के लिए ऑफिस में आप जाते हैं, सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं, अगर आपको जर्मन आ रहा है तो आपका काम जो है ना वो आसानी से हो जाता है। यहाँ के लोग चाहते हैं ना कि आप टूटा फूटा भी जर्मन बोलें, इसलिए अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो बेसिक तो सीख लीजिए। ये जर्मन जितना आपको आ रहा है ना उतना ज़्यादा आसान रहेगा। हमारा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जब हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में आए थे ना तो हमें बोला था कि जर्मन में ना सारा डॉक्यूमेंट लेके आने के लिए, और आपको जर्मन नहीं आ रहा है, आप ना एक ट्रांसलेटर को लेके आओ। बड़ा मुश्किल हो गया था उस समय। और अभी भी हम लोगों ने घर लिया है ना तो इसमें भी आपको जो है ना बहुत सारा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। यहाँ तो अब हम लोगों को जर्मन आ गया है तो हमने अपना सारा काम जो है ना खुद से किया है। तो जर्मन लैंग्वेज पे ध्यान देना जरूरी है अगर आप जर्मनी में रहना चाह रहे हैं। और जर्मन अगर सीख गए ना तो जॉब मिलने में भी आसानी होता है, बहुत सारे फायदे हैं जर्मन सीखने से। तो ये हमारा स्ट्रगल है जो चल रहा है धीरे धीरे। अभी हम लोग बीच मझधार में हैं, ज़्यादा टॉप में भी नहीं गए हैं, ज़्यादा नीचे भी नहीं है। अगर हम लोग जो है ना मेट्रो सिटीज में है जर्मनी में तो यहाँ के ज़्यादातर लोग ना इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जर्मन नहीं आ रहा है तो आपका काम निकल सकता है, ऑफिस में भी जा रहे हैं तो भी। लेकिन अगर आप जो है ना छोटे जगह चले गए, ठीक है, गांव एरिया है, टाउन है, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जर्मन अगर आए ना तो बहुत बेटर है। ये हम लोगों के साथ हो चुका है, ये वाला एग्जाम्पल ना ऐसा हुआ पड़ा है। फ्रैंकफर्ट से पहले हम लोग एक छोटा जगह थे, वहाँ ऐसा हुआ था। फ्रैंकफर्ट ठीक था, लेकिन वहाँ पर भी हमारे साथ हो चुका है ना कि वीज़ा ऑफिस में एक ओल्ड लेडी मिल गई थी हमें, और हम लोग ना टूटा फूटा में बोलते थे, ठीक है। तो बोले कि हाँ टूटा फूटा जर्मनी बोलो, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं चलेगा। अब ऐसा हो कहीं हो गया ना तो फंस गए आप लोग। इसलिए जर्मन सीख लीजिए जितना हो सके, जर्मन लैंग्वेज में स्ट्रगल है। हाउस हेल्पर। आप आइएगा, अगर आपको आदत है इंडिया का हेल्पर का तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, उसका फाइट हो जाएगा थोड़ा सा। क्या होता है ना, आप पूरे फैमिली के साथ या अलग भी रहते हो तो कम से कम एक हेल्प करने वाला, तो सडनली आप यहाँ आते हो ना, उसके बाद पूरा बैलेंस आपका ना बिगड़ जाएगा, फिर उसको सेट करने में ना टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे। तो घबराइए नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा आपको 1-2 महीने आदत पड़ने में, कि आप हाउस हेल्पर रख सकते हो, लेकिन वो इतना कॉस्टली होता है ना कि बाबा हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसको। और सप्ताह में 1 दिन भी बुलाए ना, इतना कॉस्टली है ना कि बस। और हाँ, अपने इंडिया जैसा ना पूरा प्रॉपर काम नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही करेगा और वो भी बहुत कॉस्टली होता है। तो हमारे बस की बात नहीं है हाउस हेल्पर रखना, तो आपको फाइट लगेगा थोड़ा, लेकिन हो जाएगा मैनेज। एक स्ट्रगल पॉइंट जो है ना जर्मनी में बहुत बड़ा है, ये है भैया यहाँ का जो है ना ठंडा मौसम, विंटर सीजन जो है बहुत पका देता है। इंडिया में क्या होता है विंटर सीजन में ना मस्त धूप आता है भाई, धूप में जाएंगे तो लगता है कि हाँ गर्मी लग रहा है, यहाँ धूप ही नहीं दिखता है आपको, सूरज भगवान निकलते ही नहीं है। यहाँ पता है सितंबर से लेके आपको मार्च तक न लगेगा भाई विंटर जल्दी जा, पूरा मनहूसियत छाया रहेगा। आपको क्या होगा कि दिन छोटा हो जाता है और रातें लंबी हो जाएंगी, 4 बजे के बाद अंधेरा, घनघोर अंधेरा छा जाएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, लगेगा ना कि यार विंटर भागो तुम जल्दी से। विंटर में बस एक ही चीज अच्छा लगता है कि ये क्रिसमस का जो सीजन है इसमें छुट्टी होता है, उसके अलावा और भी कुछ। पहले क्या था ना स्टार्टिंग में जब नया नया हम लोग देखे थे ना कि स्नो हो रहा है ना तो बहुत मजा आता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे स्नो का भी जो है ना वो क्रेज चला गया। स्नो होता है ना बाद में जैसे अपने इंडिया में कीचड़ हो जाता है ना उस तरह स्नो हो जाता है, उस पर लोग गिरते भी, हम लोग भी गिर चुके हैं। तो यहाँ का विंटर बहुत ही बकवास लगता है, लोग समर का जो है ना वेट करते हैं कि समर सीजन जल्दी से आए, इसलिए ये भी एक स्ट्रगल है। इसलिए रेडी होके आइएगा, विंटर में बहुत ठंडा भी लगता है और पूरा डिमोटिवेटिंग भी रहता है। एक और घाटा है ना ठंडा में यहाँ कि लोगों को ना जर्मनी विटामिन डी का बहुत कमी रहता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि सूरज दिखता ही नहीं तो विटामिन डी का कमी हो गई। डॉक्टर जो है ना बोलते हैं कि हाँ ये प्रिस्क्रिप्शन लो, ये विटामिन डी खाओ, कॉमन है यहाँ पे ये बीमारी। तो आप यहाँ पे आओगे ना 3-4 साल के बाद होना ही है, विटामिन डी का कमी नॉर्मली सबको होता ही है। अगर आपको, आप यहाँ पे 3-4 साल से हो, आपको लग रहा है कि कमजोरी, सुस्ती, ठीक है, दिन भर काम किया शाम में लग रहा है सो जाए, इसका मतलब विटामिन डी का कमी है, डॉक्टर के पास दिखाइए। यहाँ थोड़ा विटामिन डी का चेक करने के लिए ना फीस लेता है, ठीक है, 18 यूरो लेगा आपसे, लेकिन चेक हो जाएगा। विटामिन डी का कमी जो है रहता है तो आपको गोली देगा, वो खाइए, ठीक रहिएगा। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए ठंडा यहाँ पे जो है ना बहुत भारी स्ट्रगल है। जर्मनी को रूलों का शहर कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे रूल हैं। वैसे यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज्यादा होते, मतलब आप जैसे कपड़े को रखते हो ना वैसे पेपर को रखना पड़ता है, हर एक पेपर को। चाहे यहाँ पे जो, अगर एक छोटा सा अलमीरा भी अगर लेते हो ना फाइनेंस, उसका भी पेपर होता है। यहाँ पे हर काम पेपर पे होता है। तो इसमें हम ये बोलना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि यहाँ पे ना जो डॉक्यूमेंट होता है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन ना करें। किचन वाले में मेरे साथ बाबा ये घटना घट चुका है, इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन ना करें। ये जर्मनी में बोला जाता है, जो आप साइन किए फिर उसी का वैल्यू रहता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन, क्योंकि यहाँ पे ना सारे डॉक्यूमेंट ना जर्मन में होते हैं, तो उसको आप ट्रांसलेट करोगे, पढ़ोगे। अगर जर्मन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आराम से पढ़ लोगे। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी किचन उचन जब लेने जाओगे ना, उसके जो नाम रहते हैं ना वो इतने हार्ड रहते हैं कि मतलब जर्मन जो सीखे वो भी आउट हो जाता है। तो पेपर वर्क जो भी करें तो कृपया ध्यान से करें, ताकि कोई मुसीबत में आप लोग ना पड़े। यहाँ पर जॉब सर्च प्रोसेस जो रहता है ना वो उतना इजी नहीं है। जॉब सर्च के लिए आपको जो है ना 4 से 5 महीने आप दीजिए, ठीक है, मिनिमम। एक जॉब का प्रोसेस यहाँ इतना लगता ही है। इंडिया में होता है कि तुरंत इंटरव्यू लिया, 3-4 राउंड हो जाता है, आपको जो है ना रिजल्ट पता चल गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पहले जो है ना इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, वो भी धीरे धीरे आराम से लेते हैं, महीने भर, फिर से वो जो है ना 1 राउंड लेते हैं और आराम से फिर बैठ जाते हैं। तो 3-4 महीने जो है ना वो लगाते हैं पूरा जॉब प्रोसेस में। और आपको क्या होगा ना कि रिजेक्शन बहुत आएगा, ठीक है, तो उससे घबराइएगा मत। और एक एडवाइस दूंगा कि अगर जर्मन आ रहा है ना तो आपको ज़्यादा जॉब का चांस है, आपका जॉब का जो स्कोप है ना वो बढ़ जाएगा। अगर आप कल इंग्लिश में खोज रहे हैं, इंग्लिश में भी बहुत जॉब मिलता है, ठीक है, लेकिन कंपेयर अगर आपको जर्मन भी आ रहा है ना, उसके कंपेयर में इंग्लिश का जॉब कम रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको इंडिया से आने के बाद। वो है हमारे जैसे अगर है ना खाने के शौकीन तो उनको करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मिस करिएगा, अगर स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, स्ट्रीट फूड जो होता है इंडिया में स्टॉल लगे रहते हैं रोड के किनारे, वो आप बहुत मिस करोगे। जो हम मिस करते हैं अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि पानीपुरी, चाट, गुपचुप, मतलब बहुत सारे चीज ये मिस कर रहे हैं। इंडिया में है कि हर जगह आप जहाँ भी एक कदम चलो आपको कुछ खाने को मिल जाए, यहाँ पे वो नहीं है, तो वो चीज का स्ट्रगल है। तो स्मिता जैसे अगर कोई चटोर अगर हो ना तो उनके लिए बहुत घाटा है, खुद बनाना सीख लीजिए आप। हाँ, अगर मेरे जैसा कोई चटोर है ना, जैसे ये स्ट्रीट फूड का नाम आता है ना मेरे मुंह में पानी आ गया होगा, क्या कर सकते हैं। स्मिता ने सब कुछ सीख लिया है, हमारे लाइफ स्टाइल ब्लॉग में देख सकते हैं आप। हाँ, अगर आपको ना खाने का अगर शौकीन हो तो हमारे ब्लॉग को भी फॉलो करें। लाइफ स्टाइल ब्लॉग जो मैं बनाती हूँ उसमें खाने का भी रेसिपी बनाते हैं, तो उसको देखे। तो ये है एक मतलब स्ट्रगल बोलिए, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है भाई, बहुत मिस करते हैं। हाँ, वो क्योंकि जब बनाने का मन नहीं करता है ना कि हाँ जाओ चाट ले आओ, पानी पूरी ले आओ, घर पे मस्त मजा आता है, वो फीलिंग भी मिस करते हैं, वो सब कुछ मिस करते हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बड़े बड़े तो हैं ही, लेकिन छोटा जैसे टेम्पो, ऑटो रिक्शा, जिसको हम लोग बहुत मिस करते हैं। शॉपिंग करके निकले और ऑटो, टेम्पो, मतलब प्राइवेट करके आप आराम से सामान रखो और घर पहुंच जाओ, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिसिंग लगेगा। अगर आप इन जर्मनी आ रहे हैं तो इस चीज़ को याद रखें, यहाँ पे छोटे व्हीकल जो होते हैं आपको नहीं मिलेंगे, उसको आप बहुत मिस करने वाले हो। अगर थोड़ा दूर में आपका घर है तो आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। जर्मनी में बहुत लोग वॉक करते हैं, तो छोटे व्हीकल यहाँ पे नहीं मिलते, उसको आप मिस करोगे। ये एक स्ट्रगल हमको लगा। नेक्स्ट चैलेंज की हम लोग बात करते हैं, और इसमें हम दोनों का जो है थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है। हम लोग जब नया आए थे ना तो हम अकेले आए थे, और हम इंडिया में जो है ना खाना पीना बाहर ही खाया करते थे, ठीक है, मस्त रेस्टोरेंट में खाते थे शादी होने से पहले। और जब यहाँ आए तो हम अकेले थे, तो भैया खाना पीना हमको कुछ नहीं आता था बनाने के लिए। बहुत बड़ा फाइट था कि बाहर कितना खाएंगे, पैसा भी तो है, हाँ लूट जाएंगे। तो हम यहाँ आने के बाद जो है ना, हम चाय वाय बनाना हमको आता था पहले, मैगी और चाय, लेकिन फिर चावल दाल हमको बनाना आ गया, ठीक है। रोटी वोटी भी कभी कभी बना लेते थे बहुत मुश्किल से, लेकिन इसके आने के बाद फिर मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब इसका भी सुन लीजिए ये क्या बोल रही है। तो चलिए सब इनका सुन लिए, और अभी कितना कुकिंग करते हैं तो वो आप लोग को पता ही नहीं करते हैं कुकिंग। तो चलिए मेरा सुनिए। बहुत लोग बोलते हैं कि जर्मनी में ना खाना बनाना मुसीबत लगता है। मुसीबत हम इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि पेट भरने के लिए बाबा खाना तो बनाना पड़ेगा। तो जब हम आए थे रिशित को लेके, खाना बिल्कुल जैसे ये थे ना नौसिखिया, उससे भी ज्यादा नौसिखिया थे घर के, बिल्कुल खाना नहीं, रोटी भारत का नक्शा बनाते थे, ऐसा खाना बनाते। बट अभी हम अच्छा कुकिंग कर लेते हैं बहुत अच्छा। क्योंकि जर्मनी ऐसा देश है ना कि आपको ना कहता है ना जैसा देश वैसा भेष, आपको सब कुछ सिखा देगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है ना, बाहर खाना बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, और आप जर्मन तो होने की ब्रेड बस खा के रह जाओगे। नहीं, हम लोग इंडियन को तो खाना ही अपना इंडियन खाना। तो चैलेंजिंग नहीं कहेंगे, हाँ जिनको बिल्कुल नहीं आता वो थोड़ा सीख लें, और यहाँ आने के बाद ना अगर नहीं भी सीखे है ना उनको आ जाएगा, 1 महीने 2 महीने के अंदर तो उनको डेफिनेटली खाना बनाने आ जाएगा। हमारे हस्बैंड को चाय, चावल, दाल, रोटी भी बनाए हुए हैं। जब हम बीमार थे तो इतना बना लेते हैं जो आदमी बाहर ही खाते थे। तो डरिए मत। हम लोग क्या करते थे ना कि चावल और एक सब्जी बना लेते थे रस वाला, बस वही खा लो। हाँ, हाँ तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी रहता है, अगर आपको नहीं आ रहा है बनाना तो आप यहाँ सीख जाइएगा। डरिए नहीं, कुकिंग है, पेट भरने के लिए तो करना पड़ेगा। ये एक स्ट्रगल लगता है इनको, अभी तक मैं सीख गई हूँ, आप लोग भी सीख जाइएगा। तो डोंट वरी रहिए और तैयार रहिए जर्मनी में कुकिंग सीखने के लिए। लोग बोलते हैं फायर अलार्म, यहाँ पे ना स्ट्रगल है, तो फायर अलार्म स्ट्रगल तो हम नहीं बोलेंगे। ये मेरा अनुभव है, आपका क्या अनुभव है वो आप बताइएगा। हम इसको स्ट्रगल नहीं मानेंगे। अगर देखा जाए तो ये एक ना मतलब सेफ्टी पर्पस से बहुत अच्छा है यहाँ पे, जो इंडिया में नहीं रहता है। आपको ना आदत नहीं है इसकी, ये मानते हैं, हमको भी नहीं था आदत, बट यहाँ आने के बाद ना आपको वो आदत पड़ जाएगा फायर अलार्म का। एक दो बार कुछ जलेगा तो आदत हो जाए। मेरे साथ 2-3 बार हुआ है कि घी चढ़ा के, और घी जलने के बाद कितना धुआं होता है वो तो आपको पता ही है, तो घी चढ़ाने के बाद हम भूल गए। उसके बाद मेरा फायर अलार्म ही हमको जगाया कि भाई कुछ तो चढ़ा है, कुछ तो कांड हुआ है। तो इससे डरिए नहीं थोड़ा, और उसको जब बजे तो आराम से आप ना उसको पुश करके बंद कर सकते हैं, नहीं तो अगर बंद ना हो तो जस्ट उसको रोटेट करके नीचे कीजिए, उसका बैटरी अलग कर दीजिए थोड़ा देर। उसके बाद जब आपका धुआं वगैरह चले जाए तो फिर उसको लगा दीजिए। तो डरने वाली बात नहीं है, ये स्ट्रगल नहीं है, ये सेफ्टी पर्पज से मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अगला चैलेंज जो है ना, हमने अनुभव यहाँ पर किया है अबाउट लेबर। यहाँ लेबर मिलना मुश्किल है, और लेबर कोस्ट उसके ऊपर से जो है ना जर्मनी में ये फेमस है जर्मनी इसके लिए कि लेबर कोस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका कोई सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ गया, ठीक है, आपका मोबाइल खराब हो गया, और अगर आप उसको ठीक कराने जा रहे हैं ना तो 100 यूरो जो है वो ले लेगा उसको बस एक बार देखने का, और सामान भी ठीक नहीं होता। हमारे साथ हो चुका है ये, हमने 2 बार दिया, 70 यूरो 70 यूरो लगा। फिर हमने बोला नहीं, अब हम नया मोबाइल लेंगे। अब एक बार हमारा जो है वॉशिंग मशीन खराब हो गया, हमने फोन किया तो बोला कि ना वो 100 यूरो केवल लेगा कि एक बार आने का वो चेक करेगा। हो सकता है ना कि उसका पार्ट पुर्जा खराब हो तो उसका अलग से पैसा लेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना वो टैक्सी से आएगा, कार से आएगा, उसका पैसा अलग, ठीक है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं ना कि अगर आपका सामान खराब तो रेदर कि आप उसको ठीक करवाए, उससे अच्छा ना कि आप नया ले लो। तो मेरा पॉइंट है कि जैसे इंडिया में क्या है ना, शुभ कार्य कोई करते हैं, जैसे किसी का बर्थडे होता है, शुभ कार्य करने से पहले हम लोग क्या सोचते हैं, मंदिर में दर्शन कराएं भगवान का। यहाँ पे मंदिर मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो स्ट्रगल आपको लगेगा। और साथ ही अगर पूजा पाठ कर रहे हो तो यहाँ सामान मिलना भी बहुत स्ट्रगल होता है। जैसे हाउस वार्मिंग में हमको पंडित जी मिलना बहुत ही स्ट्रगल का काम था। तो जर्मनी में ये है, मुश्किल है थोड़ा सा पूजा पाठ से रिलेटेड, ये स्ट्रगल हम मानते हैं क्योंकि हम इसको ना फेस किए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको पान का पत्ता भी बहुत जल्दी मिलता है, रेयर केस में अगर आपको जब चाहिए उस समय नहीं मिलेगा। पान का पत्ता, आम का पल्लो, केला, उसके बाद बड़ा वाला जो हवन वाला नारियल होता है वो तो बहुत चीज, और वो हवन का जो सामग्री होता है, गोबर का जो गोईठा जो हवन में लगता है, वो गंगा जल, मतलब ये सब ना आपको बहुत भारी स्ट्रगल है, बहुत ही स्ट्रगल है। कैसे कैसे तो हमें पंडित जी मिले हैं एक पूजा कराने के लिए, बहुत बड़ी बात है, मिल गए जर्मनी में स्ट्रगल करने के बाद। तो ये था हमारा आज का स्ट्रगल भरा ये लड्डू, खट्टे मीठे लड्डू जो थे, पॉइंट। तो बताइएगा, डरिएगा नहीं, चैलेंजिंग है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप लोग से हो जाएगा। और हमने बहुत कुछ फेस किया है, तो स्ट्रगल करते करते आज हर चीज मैनेज हो जाता है, तो आपसे भी हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी बनाए रखिए, और मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट और लाइक ना भूलें।